अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, घर के कुछ काम निपटाने के बाद मैं जल्दी से हो गई हूँ तैयार। सामान सारा रख लिया है हमने गाड़ी में, देर होती जा रही है इसलिए जो है ना अभी हम लोग निकलेंगे झेलम के लिए। और नाश्ता वगैरह जो है ना हमने कर लिया है, घर वालों को भी करवा दिया है, तो बस अभी चलते हैं झेलम के लिए क्योंकि लेट काफ़ी हो गए हम लोग। सुबह सुबह निकलना था तो निकल चुके हैं हम लोग झेलम के लिए 12 बजे फिक्स। घर से निकलना तो फजर में ही था लेकिन ये कि मेरे घर के काम इतने सारे थे, मैं रात को भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और घर में किचन विचन की सफाई वफाई करनी थी, सब कुछ छोड़ के ऐसे तो नहीं जा सकती थी ना, अंडरपास से जाओ नीचे, इस वजह से जो है ना टाइम लग गया निकलते निकलते तैयारी करते करते, क्योंकि मैंने अपना सामान भी नहीं पैक किया था कुछ भी, वजह से अब निकले हैं। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, आज रात का वलीमा है तो बस पहुँच जाएंगे टाइम से और फिर हो जाएंगे तैयार वलीमे के लिए। 12 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी 12:30 हो रहे हैं और हम लोग गुजर खान पहुँच गए हैं। 2 किलोमीटर ही जाए गए बस यहाँ से गुजर खान की सोसाइटियाँ वगैरह आना स्टार्ट हो गई, तो बस अच्छा सफ़र गुजर रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर हमारे। वैसे भी ठंडी इस्लामाबाद का भी मौसम अच्छा हो गया है, अच्छा ठंडा ठंडा हो गया है, तो ये है कि दिन को भी अच्छा है, धूप बड़ी मतलब सी है। ये है जी गुजर खान, सही रश का टाइम है यार। यहाँ अमरूद बड़े मज़े के लगे हुए हैं, ये पीछे लगे हुए थे बड़े फट 55 मिनट में। पचपन मिनट में हम टोल प्लाजा पे आ गए। कौन सा टर्की टोल प्लाजा, थोड़ा ही रह गया झेलम, 40 किलोमीटर है बस, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे झेलम। सड़क टूटी भी ना हो ना तो 1.25 घंटे का सफर है। ट्रैफिक बीच में पता टाउन पड़ते हैं, छोटे छोटे शहर पड़ जाते हैं, तो फिर 1.5 घंटे में हम लोग झेलम पहुंच गए हैं और धूप यहाँ पे नहीं है, अच्छा मौसम है, बस खाना के घर जाएंगे और फिर जो है ना मैं ब्लॉग जैसे जैसे बीच में होगा बनाती रहूँगी। आज वलीमा है तो बस तैयारी करेंगे वलीमे की भी। पहुँच गए हम लोग खाला के घर पर और यहाँ पर सभी मेहमान उठ चुके थे और सभी जो है ना खाना खा रहे थे, मतलब ये कि नाश्ता हो रहा था सबका और हमारे लिए तो दोपहर का खाना था, तो बस हमने भी सबके साथ बैठ के खाना खाया और मैंने वीडियो वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बनाई, तो बस यहाँ दूल्हा दुल्हन भी बैठे थे तो फरियाल को लेकर हम लोग आ गए हैं खाला के 3rd फ्लोर पर। ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना खाला की बेटी रहती हैं, तो उसने अभी ये पोर्शन तैयार किया है, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा उसका भी घर तैयार हुआ है, तो बस फरियाल को भी ले आए हैं क्योंकि फरियाल को जो है ना आज वलीमे के लिए तैयार करेगी आशी, तो आशी जो है ना अभी उसको तैयार करना स्टार्ट कर देगी। तो बस ये है फरियाल का आज का आउटफिट, इसने पहना हुआ है गरारा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के इस तरह। चाची बड़ी चिराक है वीडियो बन गई इब्राहिम की आओ सामने आओ इब्राहिम, आए करो सबको आके, हानिया की तो हानिया ने बनवा ली, आप भी आओ सामने आओ, शाबाश जल्दी से इब्राहिम, जल्दी से हमरा बेटा किधर आगे जाना है ना, इसीलिए तो बैठे हुए यहाँ पर। जाओगे परसों बस सही है आमिर भाई, बस अच्छा लग रहे हो बैठे, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई किसके लिए सजा हुआ ये कमरा? बाबा के लिए सही हो गया। खाला ने पढ़ ली नमाज असर की और हम भी अब तैयारी शुरू करने लगे हैं, यहाँ हिरा भी आ गई है, अब जो है ना हम तैयार होंगे वलीमे के लिए सब। अनाया भी आई है, सफ़ा भी आई है, सब लोग आ गए थे, शाला आप ही भी आ गई थी, ये लोग पहले ही आ गए थे, आप ही की बेटियां वगैरह सब आ गए थे, तो बस सब ने मिल के
एक दूसरे को तैयार किया और हम लोग जो है ना सब तैयार होने में लग गए थे। बस उस टाइम पर मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाई नहीं तैयार होने की, तो बस अभी निकले हैं। जल्दी जल्दी से जो है ना हम लोग पहुँच रहे हैं हॉल में, क्योंकि मेहमान काफ़ी सारे आ भी चुके हैं और पिंडी से जो लड़की वाले हैं वो भी आने वाले हैं, तो बस इस वजह से जो है ना हम लोग जल्दी से पहुँच जाएंगे अभी हॉल में। दीवाने सईद में जो है ना फंक्शन है ये, तो बस पहुँच गए हम लोग हॉल और यहाँ पर जो है ना बस दुल्हन वालों की वेलकम की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी पहुँच गए हैं पिंडी से। पहले रोल हो, आज हम गए थे ना आपके घर, हमारे घर ये अली आ गया है। अली तो देखिए यार, हाथ हिला दो यार, ऐसे दोनों अली आ गए, देखा आगे पीछे, ये भी अली है वो भी अली है। तो सभी मेहमान आ चुके हैं, पिंडी वाले भी आ गए हैं और जेलम वाले भी सारे मेहमान इकट्ठा हो गए हैं। तो बस ये रहा मेरा आज का आउटफिट, साड़ी पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा क्लियर तो मैं दिखा नहीं सकी। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में जो है ना मैं आप लोगों के साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो बस सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ जो है ना आप तैयारी होने लगी है ब्राइड की एंट्री की, तो फिर बस यहाँ पर फरियाल और फाइज की जो है ना एंट्री करवा रहे हैं। बात कर दिया अभी भाई, अबे यार आमिर को ले लो, आमिर को ले लो, आओ 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 ब्रो ब्रो, मामू साथ खड़े हो, देख जब मेरी लेडी तो यूं कर लेती है मोबाइल को, हां मेरी लेडी तो यूं कर लेती है। देखो हाँ बोलो बेटा, हाँ भाई उन्हें क्या हाल चाल है, ऐसे हाथ दिलाओ, हाय करो कैमरे में। टाइम हो गया यहाँ पर खाने का, वलीमे का खाना स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट किया हिरा ने रशियन से, जो कि उसको बहुत पसंद है, तो यहाँ की रशियन सैलेड जो है ना वो है भी बहुत मज़े की। बस यहाँ पर हम लोग सभी, हमारी फैमिली के ज़्यादातर लोग हैं, सब हम बहनें वगैरह हम सब बैठे हैं यहाँ पर और खाना खा रहे हैं। खाने में रशियन सैलेड है और दूसरी
सिंपल सैलेड भी है और नान वगैरह हैं गरम गरम, और चिकन कढ़ाई है और चिकन स्टीम है गरम गरम, सॉफ्ट सा मज़े का जो है ना स्टीम है इनका, और मीठे में जो है ना खीर है और बिरयानी भी है। तो बस ये सारा मेन्यू है खाने का, तो खाना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। तो हम सब बैठ के जो है ना अभी इंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर। चाची की चाची चाची के साथ आएगा, ठीक है? चाची का बेटा अकेला बनेगा। चाची बेटा आ गया, अब तो आ गया, अब तो आ गए हैं, अब तो ना आ गए। हाँ जी, कैसे रिव्यू है खाने के? खाने का? हाँ खाना, आप बताओ आपको कैसा लगा खाना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने जितनी तारीफ सुनी थी उतना ही अच्छा है, सारे कह रहे थे उन्हें इनकी शादी में बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, मज़ा आ गया। और बस खाना वाना खा लिया है और ये सारे खड़े हैं। हाँ भाई हमजा, हबीब भाई, राशिद भाई, खालिद भाई, और खाना सबने खा लिया है यहाँ पे, सूरत हाल कुछ इस तरह की है। खाना वगैरह सबका हो गया, उसके बाद जो है ना सबसे मिलना ही होता है, वलीमे का फंक्शन होता ही ऐसे ही, सभी रिश्तेदार आए हुए होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सबसे मिलना और खाना पीना। तो बस यहाँ पर एंड हो रहा है हमारे जो है ना फंक्शन का, तो बस सबसे मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ, बड़ा मज़ा आया वलीमे में। तो बस लाइटें वगैरह ऑफ हो गई थी हॉल की, सभी निकल रहे हैं तो बस हम भी निकल रहे हैं बच्चों के साथ, यानी दुल्हा दुल्हन के साथ हम जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं फोटो शूट के लिए, तो फिर बस हमारी ड्यूटी लगी है इनको साथ लेके जाने की। रात को आए हम सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है टाउन सिटी जो है, इधर से लेफ्ट राइट हो जाए। हां वो सामने, वो सामने जाना है, वो नजर आ रहे हैं पिलर जाना है। हां वो पिलर जो नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा ये पिलर जो खड़े हुए ना, सही है। हाँ हम लोग फोटो शूट करने, वैसे बंद हो जाएगी दूल्हा दुल्हन, अभी देते राइट हो जाए अंदर, ये मोटरसाइकिल के साथ ही पार्क ठीक हो गया जी। ये हमारे दूल्हा दुल्हन फोटो शूट के लिए आए हैं भाई, राइट तो करके दिखाओ एक। नहीं अभी फोटो शूट होने दे। चलो तो बस स्टार्ट हो गया इनका यहाँ पर फोटो शूट, लाइट की काफ़ी कमी है यहाँ पर, लेकिन कैमरामैन के पास तो अपनी लाइट है, लेकिन मेरे व्लॉग के लिए जो है ना काफ़ी अंधेरा आ रहा है। तो बस इसके साथ ही करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा।